अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती ऋतिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्री गोचरा वाय संयोग जाभावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्री गोचरा वाय संयोग जाभावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहने का प्रयास कर रहे हैं, एको हम निर्ममा शुद्धो, हम एक हैं, अकेले हैं। ज्ञानी योगिंद्री गोचरा मुनियों के द्वारा जानने योग हैं। वाय संयोग जाभावा, बाह्य की तो मात संयोग ही हैं। मत्ता सर्वेपि सर्वथा, ये हमेशा छोड़ने योग हैं। पूज्यपाद स्वामी से इस श्लोक के अंदर बहुत सारी प्यारी बात कह रहे हैं। एको हम शुद्धो, हम अकेले हैं और एक ही हैं। बाह्य के संयोग जितने हैं वो सब हमारे छोड़ने वाले हैं। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि एको हम कहाँ रहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए तो आपसे पूछे जाए कि आप कहाँ रहते हो, विचार करना। अगर आप कहीं विदेश में जाओ और विदेश में आपसे पूछा जाए कि आप कहाँ रहते हो तो आप क्या कहोगे, हम भारत में रहते हैं। कितना विराट स्वरूप आपका है, पूरा भारत तुम्हारा। कहाँ से आए हो, भारत से आए। आप विचार करना, आचार कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि तुम कहाँ रहते हो। जब अगर तुम विदेश में जाओ, विदेश में छोड़ो, स्वर्ग चले जाओ, पूछे कहाँ से आए हो तो क्या बोलोगे, मध्यलोक से आए। इतना विराट स्वरूप तुम्हारा है, पूरा मध्यलोक। कहाँ रहते हो, अगर तुमसे स्वर्ग में तुम देव अभी पुण्य अर्जन कर रहे हो और पुण्य अर्जन करते करते अगर पुण्य से तुम स्वर्ग में पहुंच जाओ तो पूछा जाएगा तुमसे स्वर्ग में, पूछोगे क्या, अब दीगान खुद ही लगा लोगे, कहाँ से आए हो तो क्या बोलोगे, मध्यलोक से आए। कहाँ रहते हो तुम, मध्यलोक में रहते हैं। अब विचार करना, मध्यलोक तुम्हारा हो गया। और अगर विदेश में जाकर पूछा जाए तुमसे कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहोगे हम भारत में रहते हैं। सही है ना, तुम तो भारत में रहते ही हो ना, बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और भारत में कोई अलग प्रदेश में कर्नाटक में चले जाओ तो पूछा जाए कहाँ रहते हो तो क्या कहोगे, हम आसाम में रहते हैं। और आसाम में तुम और कोई से देश में चले, आसाम में कहीं और चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, पूछे कहाँ रहते हो, त्रिपुरा आसाम में नहीं है, आसाम में और कौन सा देश है, चलो नलवाड़ी चले जाओ, नलवाड़ी में तुमसे पूछा जाए कहाँ रहते हो, कहोगे हम गुवाहाटी में रहते हैं। गुवाहाटी के और कोई सी कॉलोनी में चले जाओ, पूछा जाए कहाँ रहते हो, कहोगे हम फैंसी बाजार में रहते हैं, पान बाजार में रहते हैं, है ना। और कौन कौन से बाजार है,
अब विचार करके रखना, फैंसी बाजार में रहते हैं, पान बाजार में रहते हैं, कहाँ से विदेश में जब पूछा गया तो भारत में तुम रह रहे थे, इतना बड़ा विशाल स्वरूप तुम्हारा था, और भारत में पूछा गया कहाँ रहते हो तो तुमने बताया हम आसाम में रहते हैं, आसाम में पूछा गया कहाँ रहते हो तो तुमने कहा हम गुवाहाटी में रहते हैं, और जब गुवाहाटी में नलवाड़ी में तुमसे पूछा गया तो गुवाहाटी में रहते हो, गुवाहाटी में कहाँ रहते हो, फैंसी बाजार में रहते हैं, पान बाजार में रहते हैं, और जो भी 8 गांव हैं, 9 गांव हैं, पता नहीं कौन कौन से गांव हैं उनमें रहते हैं। अब फैंसी बाजार में पूछा जाए कहाँ रहते हो तो क्या बोलोगे, हम महावीर स्थल में रहते हैं। कितना सिमट गए तुम, जब हम ऊपर गए तो कितना फैलते चले गए, और जो फैले वो दशा तुम्हारी नहीं थी, जब सिमटे खिमटे फैंसी बाजार में रह रहे हैं। फैंसी बाजार में कहाँ रहते हो, महावीर स्थल में रहते हैं। महावीर स्थल में कहाँ रहते हो, कमरा नंबर 7 में रहते हैं। आप विचार करके रखना, कमरा नंबर 7 में कहाँ रहते हो, पाटे के ऊपर रहते हैं। कहाँ से स्वर्ग से आकर, विदेश से आकर, भारत से आकर, आसाम से आकर, गुवाहाटी में आकर, महावीर स्थल में आकर, कमरा नंबर 7 में हम सिमट गए। कमरा नंबर 7 में कहाँ, पाटे पे रहते, पाटे पे रहते हो नहीं, हम तो शरीर में रहते हैं। शरीर में रहते हो नहीं, हम तो आत्मा में ही रहते हैं, और जो आत्मा में रहना सीख जाता है वो सारे संसार में भ्रमण कर ले तो कोई आश्चर्य की बात। ख्याल करके रखना, आप बाहर फैलते हो, जब बाहर की यात्रा करते हो तो बाहर का संसार तुम्हारा हो जाता है। आचार्यों ने कह दिया कि बाहर का संसार तुम्हारा नहीं है, तुम जितना बाहर जाते जाओगे उतना तुम बाहर फैलते जाओगे, और अगर तुमने अपने अंदर लौटने का प्रयास किया, ख्याल करो, एकम जानाति सो सर्वम जानाति, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। आचार्य यहाँ इतना ही कह रहे, एको हम निर्ममा शुद्धो, हम एक आत्मा ही हैं और एक आत्मा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ख्याल करो, संसार में आप लोग सबसे बहुत प्रेम करते हो, कहते हो ये भी मेरे हैं, वो भी मेरे हैं, ऐसे भी मेरे हैं। आचार आला पद्धति में ये सारे उदाहरण देते हैं। आचार आला पद्धति ग्रंथ एक बहुत सुंदर न्याय का ग्रंथ है, देवसेन आचार्य ने उसको लिखा। आला पद्धति में आचार कहने का प्रयास करते हैं, स्वजाति, विचार करना, स्वजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से पुत्र दारा आदि मम, स्वजाति उपचरित असद्भूत ने से पुत्र दारा आदि मम, बेटे हमारे हैं, पुत्र हमारे हैं, पत्नी हमारी है, पति हमारे हैं, ये उपचार से तुम्हारे हैं, एक भी तुम्हारे हो सकते हैं, एक भी तुम्हारे नहीं है, एक भी तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो तो उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से कह रहे हो। आचार्य ने दूसरा सूत्र दे दिया, स्वजाति की बजाय बीजाति कह दिया, बीजाति उपचरित असद्भूत व्यवहार ने से आभूषण वस्त्र आदि मेरे हैं, ये बीजाति से हैं। और तीसरा उदाहरण दे दिया, स्वजाति बीजाति उपचरित असद्भूत ने से ये दुर्ग, ये देश, ये घर, ये मकान हमारे हैं, ये सब तुम्हारे नहीं हो सकते। अगर ये तुम्हारे होते तो तुम्हारे साथ जाते, क्या जाएगा तुम्हारे साथ, तुम्हारी परछाई भी तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो फिर तुम्हारे साथ क्या जाएगा। एक बात का ख्याल करो, आप कहते हो मुझे सबसे बहुत प्यार है, मैं सबको बहुत चाहता हूँ, मुझे सबसे बहुत लगाव है। ओम जी, अगर देवता प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं, तो आप उनसे परिवार मांगोगे, व्यापार मांगोगे, धर्म मांगोगे या मोक्ष मांगोगे, क्या मांगोगे, मोक्ष मांगोगे। आप विचार करके रखना, अगर भगवान खुश हो जाएं, परमात्मा खुश हो जाएं, तो हम उनसे मोक्ष ही मांगेंगे।
दूध और पानी को अलग करने के लिए हमें तपाना पड़ेगा, और तपाएंगे तो वैसे ही उसमें से पानी भाप बनकर उड़ जाएगा और दूध प्योर रह जाएगा। ख्याल करना, दूध और पानी, शरीर और आत्मा, इनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हमने इसको तपाया तो पानी रूपी शरीर तो उड़ जाएगा और आत्मा रूपी दूध तुम्हारा प्योर बच जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरा संबंध एक और है, ज्ञान दर्शन और जीव का संबंध। विचार करके रखना, ये आत्मीय संबंध है। ज्ञान दर्शन और जीव, इन दोनों को अलग कर सकते क्या? ज्ञान, जहां जहां ज्ञान है वहां वहां जीव है, और जहां जहां जीव है वहां वहां ज्ञान है। कितना भी तुम तपा लो, कितना भी शरीर से बच जाओ, लेकिन ज्ञान और दर्शन आत्मा से निकल नहीं सकते। ये है आत्मीय संबंध। संश्लेष संबंध को दूर कर सकते हो, संयोग संबंध को दूर कर सकते हो, आत्मीय संबंध को दूर नहीं कर सकते। संयोग संबंध संसार के पदार्थों से है, उसे हम दूर कर सकते हैं। विचार करना, उसे दूर करना कोई ज्यादा मेहनत का काम नहीं है। बच्चों से बहुत राग है ना, बच्चे विपरीत हो जाएं तो ये लगता है भगवान कब इनसे पीछा छूटेगा। आप विचार करना, पत्नी से पति से राग है, जिस भी विपरीत हो जाए तो ये लगता है भगवान अकेले थे तभी अच्छे थे। शरीर से राग है ना, अगर बीमारी हो जाए ना तो भगवान को एक ही प्रार्थना करते, भगवान उठा लो शरीर से, अब तो ठीक होता ही नहीं हो। और जब देखो तब कष्ट ही कष्ट है। शरीर से भी राग हो जाता है तो वो भी जब बीमारी होती है उससे भी राग छूट जाता है। ये सब संयोग संबंध हैं, संश्लेष संबंध हैं। ये छोड़ देंगे छूट जाएंगे, लेकिन आत्मीय संबंध, कभी कभी कहते हो ना आप एक दूसरे को, हमारा और तुम्हारा आत्मीय संबंध है। क्योंकि आत्मीय संबंध छूटता नहीं है। संकलित संबंध छूट जाएगा, संयोग संबंध छूट जाएगा, कभी नहीं लिखते हो आप संयोग और संश्लेष आत्मीय संबंध, क्योंकि वो छूटता नहीं है। आत्मीय संबंध आत्मा का ज्ञान से है। कोई भी गति में चली जाए, कोई भी पर्याय में चली जाए, उसका वो संबंध छूटने वाला नहीं है। विचार करके रखना, इतना ही सोचना, हम दुनिया में सबसे संबंध खत्म कर लें, लेकिन आत्मा का ज्ञान का संबंध कभी खत्म होने वाला नहीं है। इसलिए आत्मा के संबंध को समझने का प्रयास करो। तुम्हारी आत्मा ही है जो तुम्हारे साथ हर वक्त देती है। कितना भी तुम पाप कर लो तो भी तुम्हारी आत्मा साथ देगी, और पुण्य करो तो भी तुम्हारी आत्मा साथ देगी। तुम अच्छा करो तो भी तुम्हारी आत्मा साथ देगी, बुरा करो तो भी आत्मा साथ देगी। जो तुम्हारा साथ दे रही है उसका तो ख्याल करो। अभी तुम्हारे व्यापार में कोई साथ दे दे तो तुम सोचते हो ये मेरा बड़ा खास है। घर में परिवार में साथ दे दे तो लगता है यही अपना है, और वो सब यहीं का यहीं रहने वाला है। वो एक भी ना व्यापारी साथ जाएगा, ना घर वाले साथ जाएंगे, ना शरीर थोड़ा सा अच्छा हो जाए ना, खूबसूरत सुंदरता ऐश्वर्या राय जैसा, तो बड़ी ठिला के चलते हैं। शरीर सुंदर हो जाए, मजबूत हो जाए तो बड़े आप विचार करके रखना, हम जिन बाह्य क्रियाओं पे, बाह्य चर्याओं पर अकड़ते हैं या बाह्य चर्याओं पर देखकर हम खुश होते हैं, ये कोई साथ नहीं देगा। साथ कौन देगी बोलो ना, उसका क्यों नहीं ख्याल करते? आप विचार करना, एक बार ख्याल करो। मैंने एक दिन उदाहरण दिया था, दामाद और चाचा। शरीर दामाद है, दामाद जी जब भी घर में आएंगे तिलक करना पड़ता है ना। आलोक जी घर में जाते हो, ससुराल में तिलक होता है कि नहीं? अब वैसे घर के अगर पास के दामाद हो तो बात अलग बात है, लेकिन अगर दूर का दामाद हो ना तो उसका संबंध बहुत ज्यादा होता है। शरीर जब भी तुम्हारा मांगेगा, तुमसे कुछ ना कुछ मांगता रहेगा, और चाचा जी जब भी आएंगे कुछ ना कुछ देकर जाएंगे।
आत्मा चाचा के समान है। इतना ही विचार करके रखो, इतना ही सोचने का प्रयास करना, जो तुम्हारे साथ दे रहा है, अनादि काल से तुम्हारे साथ है और अनंत काल तक साथ में रहेगा, उसका ख्याल करने से ही हमारा कल। और उसके पास नहीं जाते हो तब तक संसार में भटकते रहते हो। पांच इंद्रिय रूपी व्यापार, मन मैनेजर, आत्मा मालिक, तुम मैनेजर में ही लगे रहोगे। निकलो वहां से, उस आत्म तत्व को पाने का प्रयास करो, क्योंकि वो तुम्हारी शाश्वत है। ना वो जन्म लेती है, ना वो मरती है, ना वो कभी राग द्वेष करती है, ना देव बनती है, ना मनुष्य बनती है। ये पर्याय दृष्टि छोड़ो, परमार्थ दृष्टि को लगाओ। पर्याय दृष्टि में दुख है, परमार्थ दृष्टि में दुख नहीं है। पर्याय दृष्टि संसार में कारण है और परमार्थ दृष्टि संसार से पार ले जाने में कारण है। आप इतना ही विचार करना कि जो तुम्हारी शाश्वत आत्मा है वो तुमसे नहीं चाहती है कि तुम संसार में घूमो। माँ हमेशा ये चाहती है बेटा मेरे घर में रहे। व्यापार करने भी बाहर जाए तो एक बार घर में लौट कर आ जाए। लेकिन हम लोग ऐसे व्यापार करने निकले, 84 लाख योनियों में व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक बार भी अपने आत्मा रूपी माँ के घर में वापस नहीं जा रहे हैं। और अगर आत्मा रूपी माँ के घर में वापस नहीं जाएंगे तो संसार ही मिलता रहेगा। एक बार घर में लौटने का प्रयास करो। इतना ही सोचना, ये जो आत्मा शाश्वत है उसे कैसे पाएं। व्यापार बिजनेस सब करो, दुनियादारी सब करो, लेकिन उस जो तुम्हारा साथ दे रहा है उसका साथ छोड़ो नहीं। उसको पाने के लिए आचार्य कह रहे हैं, अगर उसको पा लिया तो क्या मिलेगा। कल बात करेंगे इसकी कि अगर उसको तुमने पा लिया तो क्या मिलेगा। आज इतना ही विचार करना, ये इंद्रियां भी हमारी नहीं है, परिवार हमारा नहीं है, संसार हमारा नहीं है, हम अकेले ही अपने अकेले ही जाएंगे। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्चक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय, श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित, श्रीमती ऋतिका पाटनी, श्री रजत, श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर।